हाय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन जो था क्लास 12th का, उसके पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले सेक्शन है जो है रीडिंग सेक्शन, इसमें है सीन पैसेज। आइए इसको पहले हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, फिर इसके क्वेश्चन के आंसर आपके सामने पेश करें। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, आदमी की जिंदगी को दिनों की गिनती से नहीं नापा जा सकता। मंथ्स न महीनों से एंड ईयर्स न सालों से, दैट ही हैज लिव्ड, जो उसने जी है, बट बाय द डीड्स, बल्कि उन कर्मों से, ही हैज डन, जो उसने किए हैं, एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड, और उन उपलब्धियों से जो उसने कमाई है। व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जीवन में इस बात का महत्व अधिक है कि जो अनुभव हमने जिए उनकी गुणवत्ता कितनी है, बजाय इस बात के कि हमने जीवन में जो अनुभव जिए उनकी मात्रा कितनी है। अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडियर्स, एक छोटा सा जीवन जो महान प्रयासों और प्रयत्नों से भरा हुआ है, इज फार मोर वैल्यूएबल, कहीं अधिक कीमती है देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्राइबल परस्यूट्स, बजाय वो 100 वर्ष की जिंदगी के या सैकड़ों वर्ष की जिंदगी के जो हम छोटे छोटे तुच्छ प्रयासों में लगे रहते हैं उनके। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, ध्यान दें हम सालों में नहीं, हम कर्मों में जीते हैं। हम कितने साल जिए इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमने अपने जीवन में कितने अच्छे कार्य किए। नोबल डीड्स, महान कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार एंड फाइन सेंटीमेंट्स, और बहुत ही खूबसूरत भावनाएं, कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, निर्माण करती हैं, गठित करती हैं चरित्र की वास्तविक शान को। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, बजाय उस लंबे जीवन अवधि को जो किसी ने अपने जीवन में जिया है। वो आपने सुना है ना, 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2000 पर। आइए अब इसके क्वेश्चंस के आंसर हम पिक करेंगे इस अनसीन पैसेज से। ओके, सो फ्रेंड्स, अनसीन पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। आइए इसे हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, आदमी की जिंदगी को किस तरह से मापा जा सकता है या फिर आंका जा सकता है। आंसर देखेंगे, मैंस लाइफ इज मेजर्ड, आदमी की जिंदगी को आंका जा सकता है By the deeds, उसके कार्यों से, he has done, जो उसने किए हैं, या by the achievements, उन उपलब्धियों से, he has made, जो उसने पाई हैं। दो ही चीजों से हमारे जीवन को आंका जा सकता है, हमारे कार्यों से या फिर हमारी उपलब्धियों से। Which is more valuable, क्या अधिक मूल्यवान है, a short life or a long life? ये बहुत बड़ा सवाल है, सदियों से पूछा गया है, जिंदगी कौन सी अच्छी है, छोटी या फिर लंबी। So a short life devoted to noble endeavors, जिंदगी भले छोटी हो लेकिन उसके प्रयास महान परिणामों के लिए हो वो ज्यादा अच्छी है, is far more valuable, अधिक मूल्यवान है than a long life of over 100 years, बजाय 100 साल की जिंदगी के spent in tribal pursuits, जो छोटे छोटे तुच्छ लक्ष्य के लिए किए गए प्रयासों में। मुझे याद आ रहा है सुदामा पांडे धूमिल की एक लाइन है कि अगर जिंदगी जीने के पीछे सही तर्क नहीं है तो चाहे राम नामी बेचो या कोई गंदे से गंदा भी काम करो, कोई फर्क नहीं है। सो इट इज अबाउट आवर गोल्स, हमारे लक्ष्य अगर अच्छे हैं तो छोटी जिंदगी भी बड़ी हो जाती है। आगे देखिए, व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ, जीवन में मनुष्य को किन चीजों को वरीयता देनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी। आंसर देखेंगे, मैन शुड प्रेफर टू नोबल डीड्स, सबसे पहले महान कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स, और बहुत अच्छी भावनाएं, टू बिल्ड द रियल ग्लोरी, ये बनाती हैं सच्ची शान ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र की, है ना इंटरेस्टिंग। जो नंबर डी है, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, चरित्र को शानदार क्या बनाता है, शॉर्ट में लिख लिया है, आवर ग्रेट डीड्स, हमारे महान कार्य, थॉट्स, विचार एंड सेंटीमेंट्स और भावनाएं,
मेक आवर कैरेक्टर ग्लोरियस, हमारे चरित्र को शानदार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, पैराग्राफ में पूछा गया है इंपॉर्टेंस का मीनिंग यानी कि सिग्निफिकेंस, हिंदी होगी इसकी महत्व। अगला है मीनिंग ऑफ एंडियर्स, एफर्ट्स, प्रयत्न या परिश्रम। लास्ट में पूछा है डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, इनडीड का मतलब है वास्तव में और इन माने में डीड माने का है। सो फ्रेंड्स ये थी अनसीन पैसे, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपना सबसे प्यारा पसंदीदा इंग्लिश एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। Bye.